दोस्तों मुस्लिम लीग और जिन्ना का पूरा ध्यान पृथक पाकिस्तान के गठन अर्थात द्विराष्ट्र सिद्धांत पर था, परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद और संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास चलते रहे। इन्हीं प्रयासों में से एक था देसाई लियाकत समझौता। यह अंतरिम सरकार के गठन का समय था और गांधी जी को यह एहसास हो चुका था कि जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाती तब तक ब्रिटिश सरकार देश को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेगी। ऐसे में गांधी जी ने भूलाभाई जीवन जी देसाई को मुस्लिम लीग के नेताओं को संतुष्ट करने और 1942 से 1945 के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के एक और प्रयास करने का निर्देश दिया। इसके बाद भूलाभाई देसाई मुस्लिम लीग के उपनेता लियाकत अली से मिले और दोनों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के अनुसार अंतरिम सरकार में दोनों द्वारा केंद्रीय विधानमंडल के समान संख्या के लोगों को नामित करना और अल्पसंख्यकों विशेषकर अनुसूचित जाति और सिखों को प्रतिनिधित्व सुरक्षित करना शामिल था, परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इससे सहमत नहीं हुए, जिसके बाद गतिरोध बढ़ता चला गया।